तो स्ट्रीमिंग मेरा यहाँ पे बता रहा है कि मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ एंड यूट्यूब इज़ नॉट रिसीविंग इनफ वीडियो। ओके तो ठीक है, जैसे ये सारी चीज़ें हो जाएगी हम देखते हैं कि क्या होता है। ओके तो अभी हम लाइव आ चुके हैं, राइट? अभी हम लाइव आ चुके हैं, तो आई थिंक कि मुझे फिर से सारी चीज़ें जो है वो रिपीट करनी होगी, राइट? तो हम फिर से चीज़ें सारी रिपीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक्चुअली वहाँ पे मेरे से गलती ये हो गई कि मैं ये देखना भूल गया कि मैं एक्चुअली लाइव हूँ या नहीं, राइट? वो सबसे बड़ी मेरी गलती हो गई। ओके तो वंस अगेन वेलकम टू आवर स्ट्रीम। वेलकम टू आवर लाइव स्ट्रीम एंड होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। तो लाइव स्ट्रीम करना मतलब मेरे बस की बात नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है, काफ़ी सीखने में वक्त लगेगा। एक्चुअली से पहले मैं शुरू कर चुका था लाइव स्ट्रीम एंड सारी चीज़ें मैंने बोल भी दी थी, लेकिन गो लाइव की बटन जो थी यहाँ से, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से वो दबाना मैं एक्चुअली भूल गया था। वो मेरी गलती हो गई थी। तो जल्दी से अब हम जाते हैं न्यूज़ की तरफ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ थी आज, जो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने तो आपको बताई नहीं थी। लेकिन सबसे पहले न्यूज़ निकल गया थी पोको C3 की तरफ से। ओप्पो F15 भी लॉन्च हो चुका है, साथ में वन प्लस बड्स भी लॉन्च हो चुके हैं एंड वन प्लस का नॉर्ड जो कि कल लॉन्च हुआ था, इसकी लाइव मैं करने वाला था लेकिन मोबाइल पे से इसे लाइव करना था, तो सेटअप करने के लिए मुझे वक्त लग जाता, काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता, इसलिए मैंने सेटअप नहीं करा। एंड यस, आप अगर देख रहे हो मुझे लाइव अगर देख रहे हो तो जल्दी से वीडियो को पटापट लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में हाय लिख दीजिए ताकि मैं आपको पहचान जाऊँ कि आप ही हो जो मुझे देख रहे हो, राइट? वैसे कोई मुझे देखता नहीं तो ये सारी चीज़ें। ओके तो पोको C3 ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन के अंदर इंडिया के अंदर रजिस्टर हो चुका है। तो आप जैसे कि देख सकते हो Redmi 980B एंड Redmi 9C NFC के सपोर्ट वाला भी फ़ोन यहाँ पे रजिस्टर हो चुका है। तो प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखोगे तो Redmi 9A के तीन फोन्स हैं। ओके Redmi 9 है, Redmi 9C, Redmi 9 आई थिंक लॉन्च हो चुका है, Redmi 9C, Poco C3, Redmi 9 8, Redmi 9C NFC। तो ये सारे फोन्स प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम देख पा रहे हैं और जिसके अंदर आशंका है Poco C3 जो कि जल्दी से लॉन्च हो जाए। मैं आपकी चार्ट्स पढ़ रहा हूँ एंड आप जल्दी से नीचे चैट करके मुझे बता दीजिए कि अगर आप मुझे देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। थोड़ी सी डिले हो गई आज स्ट्रीम, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा क्योंकि एक्चुअली मैं आज एक नया सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी सारी दिक्कतें मुझे आ रही थी। एंड मैं पहले यूट्यूब क्लासिक में स्ट्रीम करता था तो यूट्यूब क्लासिक के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और मैं जैसे स्विच कर गया जो अभी यूट्यूब दे रहा है स्ट्रीमिंग के लिए नया नया प्लेटफॉर्म, तो उसके ऊपर मैं गो लाइव करना भूल चुका था, तो सारी ऐसी चीज़ें गड़बड़ हो चुकी है। तो 5000 mAh का बैटरी 9C के अंदर आपको मिलेगा, 6.53 इंचेस का HD+ IPS LCD डिस्प्ले विथ अ वाटर ड्रॉप नॉच, MediaTek का जो G35 का प्रोसेसर, 2 GB या फिर 3 GB के रैम के ऑप्शंस, 32 GB या फिर 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के ऑप्शंस, 5000 mAh का बैटरी आपको इस फ़ोन के अंदर मिलेगा, तो बैटरी बैकअप अच्छा मिल जाएगा। और वैसे आप अगर रेडमी का फ़ोन यूज़ करो या फिर MI के फ़ोन यूज़ करो तो बैटरी बैकअप फ़ोन काफ़ी अच्छा देते हैं। Redmi 9C रियर फेसिंग कैमरा, तो Redmi 9C का रियर फेसिंग कैमरा का पोजीशन कुछ ऐसा है कि 13 MP का मेन कैमरा होने वाला है, 5 MP का माइक्रो लेंस, 2 MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा एंड 5 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, और पीछे की तरफ फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाने वाला है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगली न्यूज़ की तरफ हम जाते हैं Oppo F15 को लेके, जो कि 4 GB 128 GB का वेरियंट है, लॉन्च हुआ है अपने प्राइस पॉइंट 17,000 विच इज 60,990, तो अप्रोक्सीमेटली 70,000 एंड 8+128 GB का जो वेरियंट है वो इससे 1,000 रुपये महंगा, माफ़ कीजिएगा 2,000 रुपये महंगा है, तकरीबन ये 17,000 का और ये 19,000 का आपको जाएगा। फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, इसके अंदर आपको MediaTek का Helio P70 का प्रोसेसर मिलता है। आई डोंट नो कि स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर इन्होंने क्यों नहीं दिया, लेकिन ठीक है, 4 GB का रैम, 8 GB का रैम भी ऑप्शन में मिल जाता है, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है, एक्सपांडेबल स्टोरेज भी हालांकि इसके अंदर आपको मिल जाता है विच इज़ अ गुड थिंग। 4025 mAh का बैटरी, 20 W का वूक फ्लैश चार्ज, कलर OS 6.1 के साथ, एंड्रॉयड 9 पाई के सपोर्ट के साथ,
आई डोंट नो कि एंड्रॉयड 10 इसके अंदर देना चाहिए था, ओप्पो ने ऐसा क्यों करा। एंड यूएसबी टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, 3.5 mm का हेडफोन जैक एंड ड्यूअल 4G वोल्टी वाईफाई एंड ब्लूटूथ, जो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगली न्यूज़ के बारे में हम बात करते हैं, वन प्लस बर्ड्स को लेके 5000 की प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो चुके हैं। 30 घंटे की बैटरी लाइफ है, वॉब चार्जिंग के साथ ही आए एंड जो कन्वेंशनल चार्जर्स थे उनके साथ हम इन्हें चार्ज कर सकते हैं। तो डॉल्बी एटमॉस का वगैरह सारा सपोर्ट आपको इसके अंदर मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर 13.4 mm के डायनामिक ड्राइवर्स है। और डायनामिक ड्राइवर्स होना एक अच्छी बात है, क्योंकि डायनामिक ड्राइवर्स माफ़ कीजिएगा 13.4 mm के ड्राइवर्स होना तो साउंड काफ़ी अच्छा सुनाई देता है। रियलमी के जो मैंने एक अनबॉक्सिंग करी थी कुछ दिनों पहले, तो उसके अंदर अगर आपने देखा होगा तो रियलमी लेके आया था 10.2 mm के ड्राइवर्स, जो उस वक्त पे काफ़ी अच्छे थे। अब जो ये ड्राइवर्स लेके आ रहा है ओप्पो वन प्लस, तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप मुझे देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओके हाय या कुछ लिख दीजिए, तो मैं जान पाऊँ कि आप ही मुझे देख रहे हो। एंड अगली न्यूज़ की तरफ हम जाते हैं, जो कि आती है वन प्लस के नॉर्ड को लेके। तो वन प्लस नॉर्ड 90 Hz के रिफ्रेशर के साथ कल ही लॉन्च हुआ था, 765G के अपने प्रोसेसर के साथ। सारी स्ट्रीमिंग मोबाइल पे थी, फ़ोन काफ़ी अच्छा है हालांकि दिखने में। बताया जा रहा है कि फ़ोन का जो कैमरा है वो वन प्लस 8 की तरह ही है। 5G का फ़ोन के हाइलाइट्स में आपको बता दूँ कि इसे 5G का सपोर्ट है, राइट। L1+L5 डुअल बैंड GPS आपको मिलेगा, नेविक का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है। 4x4 मेमो एलटी, मतलब आपको चार जो है फ़ोन के अंदर सिग्नल्स के लिए काफ़ी अच्छे रिसेप्टर्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। अब हम बात करते हैं वन प्लस नॉर्ड के प्राइसिंग को लेके। तो 6+64 GB का वेरिएंट शुरू होता है 24,999 में, 8+120 GB का वेरिएंट आएगा 27,999 में, एंड 12+256 GB का वेरिएंट आता है 29,999 में। ओके, तो क्या ये फ़ोन वाटरप्रूफ है, ये चीज़ देखने वाले होगी, क्योंकि यही इसका सेलिंग पॉइंट होने वाला है। तो ओके, तो दो व्यूअर्स जो भी आप मुझे अभी देख रहे हो, तो आप सभी का स्वागत है। वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैं अभी फिर से वही चीज़ें नहीं दोहरा सकता, ये तीसरी बार मैं कर रहा हूँ, मेरी स्ट्रीमिंग लाइव ही नहीं हुई थी। अभी सीख रहे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो फ़ोन के अंदर आपको जो है वो IP रेटिंग नहीं मिलती, इसका मतलब फ़ोन वाटरप्रूफ या डस्ट प्रूफ जो होना चाहिए वो ये फ़ोन नहीं होगा। 4000 mAh का बैटरी इसके अंदर, 30T वाट का वाप चार्ज है, फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज होगा, विच इज़ अ गुड थिंग। तो 2 साल तक आप सॉफ्टवेयर अपडेट्स ले पाओगे एंड 3 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, जो कि गूगल की अभी पॉलिसी बन चुकी है एंड वन प्लस इसे अच्छे से फॉलो कर रहा है। एंड फ़ोन के अंदर एक अच्छी चीज़ ये है कि नोकिया के फ़ोन्स के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन्स के अंदर जो आपने देखा होगा जो फ़ोन एप्लीकेशन है एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन है, वही सेम इस फ़ोन के अंदर भी आपको मिलने वाला है। अब हम जाते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, गिज्मो चाइना की तरफ से। ओके, तो मीडियाटेक की तरफ से सबसे पहली न्यूज़ निकल के आती है, जो कि अब नोकिया के R&D सेंटर में 6G के रिलेटेड रिसर्च शुरू करने वाला है फिनलैंड के अंदर। ये काफ़ी अच्छी बात है, और नोकिया क्या कर रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी बात निकल के आती है। ओके, तो तियानमा ने डेवलप कर लिया है एक ऐसा टेक्नोलॉजी कि आप स्क्रीन के ऊपर कहीं भी फिंगरप्रिंट लगा के रिकॉग्नाइज कर सकते हो या फिर फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। तो तियानमा कंपनी देखते कब तक ये LCD स्क्रीन लेके आता है। आई थिंक AMOLED के अंदर लाते तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती, लेकिन आई डोंट नो LCD के अंदर क्यों ला रहे हैं, कोई दिक्कत आती होगी शायद LED के अंदर, इसीलिए LCD के अंदर लाए। सो 2 सितंबर को सैमसंग का एक लाइफ अनस्टॉपेबल इवेंट होने वाला है, तो देखते क्या क्या इसके अंदर सैमसंग लॉन्च करता है। तो Redmi AirDots 2, जैसे कि कल हमने इसकी न्यूज़ बता दी थी, ये सारी पुरानी न्यूज़ हो चुकी है। अभी नई न्यूज़ रेडमी का K30 Pro, जो कि फ़िलहाल में लॉन्च हुआ था, इसका कैमरा स्कोर अगर आप देखोगे तो ये है अप्रोक्सीमेटली 120, विच इज़ अ ग्रेट थिंग, राइट। अब हम जाते हैं अगले न्यूज़ की तरफ, मिमिक्स अल्फा, इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था इसके रिलेटेड। तो ये रहा इसका एक छोटा सा टीज़र, जिसे आप देखना बिल्कुल पसंद करोगे।
मीमिक्स अल्फा प्रो जिसका नाम है। इसका टीजर भी आ चुका है। सो एक एक कंसेप्ट है, एग्जैक्टली फोन ऐसा होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिमेंबर कि ये सिर्फ कंसेप्ट ही है, राइट? तो आप अगर मुझे देख रहे हो तो जल्दी से स्ट्रीम को लाइक कर दीजिए एंड यस सब्सक्राइब भी आपको करना है। एक सौ आठ मेगापिक्सल का कैमरा, 108 मेगापिक्सल कैमरा जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, राइट? और फोन जो होने वाला है वो ट्रांसपेरेंट होने वाला है ऐसा इनका कहना था एग्जैक्टली, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। सो अगर आप अभी हमसे जुड़े हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। यस ब्रो, हाँ भाई, उस दिन वीडियो मैंने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि एक घंटा ऑलरेडी हो चुका था एंड अभी शुरुआत करी है तो इसलिए। अब आप सवाल पूछ सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली जवाब दूंगा क्योंकि न्यूज़ सारी जो थी वो हो चुकी है। तो मिस्टर किसान, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क नाउ, नो प्रॉब्लम। आप वी टॉक अबाउट द राउटर्स, यस 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 वी टॉक अबाउट द राउटर्स दैट डे। तो अभी भी कोई दिक्कत चल रही है मिस्टर किशन? आई थिंक कि आपने ऑर्डर कर दिया होगा अपना राउटर। उस दिन वीडियो एक्चुअली मैंने इसलिए रोक दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी एंड डेटा भी मेरा ख़त्म हो रहा था लगभग। यस यस यस, देखिए क्या है ना, समय नहीं मिल रहा है। जैसे समय मिलता है मैं आई थिंक ये संडे को बना दूँ, ठीक है? उस दिन हमने जो पीडीएफ वगैरह सारी डाउनलोड जो कर ली थी ना, वो सारी पीडीएफ अभी तक मेरे पास सेव है। स्पेसिफिकेशन जो है वो टीपी लिंक अपनी बता नहीं रहा है, मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च करी थी। अच्छा किशन, उस दिन की साउंड क्वालिटी एंड आज की साउंड क्वालिटी में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है? अच्छा, आपने अभी तक परचेज नहीं करा है, ओके। साउंड में डिफरेंस आ रहा होगा एंड आपको जो है वो स्क्रीन में भी डिफरेंस नजर आ रहा होगा, आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत करी है, धीरे धीरे हमें और आगे जाना है। और जो वीडियो थी ना किशन, मिस्टर किशन, मैं वो जल्दी से बनाऊंगा, थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। तो आप डी लिंक का ही परचेस कर लो क्योंकि वॉइस कॉल फैसिलिटी इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा टीपी लिंक के अंदर, बस वही एक बेनिफिट है डी लिंक का, दूसरा कोई भी बेनिफिट नहीं है। जब मैंने टीपी लिंक देखा था ना तो टीपी लिंक के अंदर मुझे वो सारी चीज़ें नहीं मिली थी एंड थोड़ा कॉस्टली भी था। और जो डिफरेंट मॉडल मैंने देखा था, जो मॉडल आपने बताया वो भी काफ़ी अच्छा एंड सस्ता भी है उससे, लेकिन लैंडलाइन उसे कनेक्ट नहीं कर सकते। हाँ किशन जी, आप बात करते रहिए, मैं यही बैठा हूँ। आज थोड़ा इतनी नाम से हम बात करेंगे बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो
आज टेक्नोज के बारे में हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, एंड देखते हैं और न्यूज़ निकल के आती है या नहीं। अगर और अगर न्यूज़ निकल के आती है तो वो भी सारे हम जानना चाहेंगे। तो टेक्नोलॉजी विच इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट, सो विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी। तो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि और लोग हमसे जुड़े, एंड मैं आपसे जो भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं, अभी हम देख ही लेंगे सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। वन प्लस नॉर्ड क्रिएटर, आई हैव अ टाटा इंडिकॉम वॉकी टॉकी इन माई होम, कैन आई यूज़ दैट विद द डीलिंग राउटर? देखिए, टाटा इंडिकॉम को जो वॉकी टॉकी होता है ना, वो एक्चुअली WCDMA कार्ड का इस्तेमाल करता है, एंड उसके अंदर GSM कार्ड है या फिर WCDMA कार्ड है, ये मुझे सबसे पहले आप बताओ, क्योंकि वो एक प्रोग्राम करे गए होते हैं। सो आप उसे अलग चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो। आप अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मेरे पास ये BSNL का लैंडलाइन था एक्चुअली, और इस लैंडलाइन को मैंने डी लिंक के राउटर से कनेक्ट करा हुआ है, राइट? तो इससे क्या है ना, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं हुई। और आपके राउटर के अंदर ये जो RJ11 वाला पिन होता है ना, वो जाना ज़रूरी है, राइट? एंड मेरे पास भी टाटा इंडिकॉम का पहले ये था वॉकी, तो वो बैटरी ऑपरेटेड होता है ना, एंड उसकी दिक्कत ये है कि वो प्रोग्राम होता है, राइट? और ये जो लैंडलाइन होता है BSNL का वगैरह ना, तो वो प्रोग्राम नहीं है, तो वो दिक्कत आएगी आपको। आई डोंट थिंक कि वो चलेगा। मिस्टर किशन जी, वो एक्चुअली प्रोग्राम होता है, राइट? WCDMA वो मतलब आप जो पुराने ज़माने में जो रिलायंस के फ़ोन आया करते थे ना विदाउट सिम कार्ड, कुछ उस तरह से वो लैंडलाइन थे, तो आई डोंट थिंक कि आप उसको यूज़ कर पाओगे टाटा इंडिकॉम के लैंडलाइन के साथ, डीलिंक के राउटर को। आपको एक अलग से लैंडलाइन ही परचेज करना होगा, जो कि आई थिंक के आता है 700-800 रुपये के अंदर, वो 700-800 रुपये में आपको मिल जाएगा, तो कॉलिंग का भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा उसके अंदर। पैनासोनिक का वगैरह कोई भी एक लैंडलाइन खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं। वो जो होता है ना, वो एक्चुअली प्रोग्राम किया गया है, तो आप उसे यूज नहीं कर पाओगे। देखिए, पैनासोनिक के लैंडलाइन आपको मिल जाते हैं 500 रुपये से, राइट? तो 532 रुपीज़ का यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में पैनासोनिक का अगर कॉर्डेड आपको लेना है, जिसके अंदर आपको ये डिस्प्ले वगैरह मिल जाता है, तो 1400 रुपये का बनता है। एंड आप अगर ये पैनासोनिक का सिंगल लाइन देखोगे, ये कॉर्डलेस है, ये थोड़ा महंगा आपको जा सकता है, इसे हम बाजू में निकाल लेते हैं, राइट? ताकि हम इसकी ओके, तो लैंडलाइन में आपको अगर रिकमेंड करना चाहूँ तो 500 रुपये का जो लैंडलाइन है मैं वो प्रीफर करूँगा, राइट? एंड अगर आप थोड़ा अगर ज़्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हो, तो आई थिंक कि पैनासोनिक के कॉर्डेड फ़ोन के साथ आप जाए, राइट? अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपको, एक ये पैनासोनिक का जिसे आप एज अ वॉकी टॉकी भी यूज़ कर सकते हो, राइट? ये पैनासोनिक का सिंगल लाइन 2.4 GHz, एंड ये कॉर्डेड होगा, तो आई प्रीफर ये। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इसे ही परचेस करता। काफ़ी सारे रीजन्स हैं इसके इसके ये जो होता है ना, ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, इसको आपको चार्ज करना होगा, तो वो सारी दिक्कत वाली चीज़ें, राइट? तो वायर जो है वो बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी है, आप ये परचेस कर लीजिए। कॉलर आईडी भी इसके अंदर, तो कॉलर आईडी से आप बात भी कर सकते हो। एंड उस दिन मैं एक्चुअली आपको डेमो देना चाहता था कि लैंडलाइन वर्क करता है या नहीं, और मैंने अपना जो राउटर था वो बंद करके रखा था, तो आज हम डेमो भी दे देंगे, लैंडलाइन की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। लैंडलाइन ज़्यादा महंगा अगर आप नहीं भी लेते हो ना तो भी चलता है, मतलब यही है आपने लेना है वैसा कुछ नहीं। ये 500 रुपये वाला भी आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप 4-4.5 हज़ार रुपये उस राउटर के अंदर डाल रहे हो, राइट? नो, 2.4 GHz ओनली, 2.4 GHz, वो एक ड्रॉबैक है इसका। मैंने तो बस इसे लैंडलाइन के लिए परचेस करा था। अभी मैं स्ट्रीमिंग जो कर रहा हूँ वो मोबाइल से कर रहा हूँ, मतलब मोबाइल से मैंने हॉटस्पॉट कनेक्ट करके रखा है।
तो उस दिन मैं आपको डेमो देना, मैंने एक्चुअली इसके अंदर भी डेमो दिया था वीडियो के अंदर, लेकिन आपको अभी लाइव डेमो भी दे देता हूँ, राइट। तो मैं अभी कॉल कर रहा हूँ लैंडलाइन के ऊपर। हेलो, ओके, तो आपको रिंग अगर सुनाई दे रही होगी, राइट, तो लैंडलाइन भी वर्क करता है एंड इसको ज़रूरत नहीं होती बाकी सारी चीज़ों की, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कोई सवाल किशन जी, अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। बीटेल के भी लैंडलाइन्स आपको मिल जाएंगे हालांकि, लेकिन पैनासोनिक के अच्छे होते हैं। हम बीटेल्स के वो 500 रुपये वाला ठीक है यार, लैंडलाइन इतना मतलब इतना काम भी नहीं करोगे आप, तो कम रेंज में भी आ जाएगा। तो बीटेल का जो ये वायरलेस वायरलेस फ़ोन है, ये हमारे काम का नहीं है, तो बीटेल का आपको कॉलर आईडी कॉर्डलेस फ़ोन भी मिल जाएगा 1500 रुपये में, राइट। ओके, तो मैसेज आ चुका है 50% डेटा कंजप्शन का। तो और कोई सवाल अगर हो तो जल्दी से सवाल पूछिए, तो हम बात करते हैं। तो अब हम जाते हैं गूगल के न्यूज़ की तरफ, एंड गूगल के न्यूज़ के अंदर हम अगर जाए, ओके, तो सोनी के वायरलेस ईयरफोन्स अभी लॉन्च हो चुके हैं इंडिया के अंदर। नॉइस कैंसलेशन के अपने फंक्शन के साथ ही आते हैं, 90 मिनट्स का प्लेबैक आपको मिलेगा एंड इनकी कीमत है तकरीबन 17,500 रुपये। तो नॉइस कैंसलिंग अगर आपने हेडफोन लेने हैं तो वो काफ़ी महंगे होते हैं, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। एंड ओके, तो अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हो एंड आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर इंस्टॉल करके रखा है, तो उसके अंदर यूज़र इंटरफेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज करा गया है, वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। सो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे बताया है कि यूज़र इंटरफेस किस तरह से चेंज हुआ है। मैंने कुछ दिनों पहले अपडेट किया था, तो हम एक्चुअली यहाँ से देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी कि क्या चेंजेस हुए विंडोज़ ने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। हाँ, ये एक्चुअली अभी ओके, तो ये मेरा नेट पे चलेगा, राइट। ओके, हाँ, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन करा है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन हो चुका है, अच्छा लग रहा है यूज़ करने के लिए। ओके, अगर आपको विंडोज 10 या फिर ऑफिस वगैरह अगर परचेज करना है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपको एक नंबर दूंगा एंड एक वेबसाइट दूंगा जहाँ से आप परचेज कर सकते हो काफ़ी कम कीमत के अंदर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 में फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ, राइट। 700-800 रुपये में आपका विंडोज 10 आ जाता है एंड ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 10 आई थिंक 1000 या 1500 रुपये के बीच में आ जाएगा। और लेजिट लेजिट आएगा, आप अपने अकाउंट के साथ उसे लिंक कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंटरटेनमेंट में नहीं, एंटरटेनमेंट में नहीं, नहीं 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 नहीं, टेक्नोलॉजी में। तो टेक्नोलॉजी में और अगर न्यूज़ होती है तो हम देखते हैं कि रेडमी नोट 10, ओके, तो रेडमी नोट 10 डायमेंसिटी के एसओसी के साथ आ चुका है बेंचमार्क के साइट्स पे, विच इज़ अ गुड थिंग।
सो लेटेस्ट के अंदर भी और एक न्यूज़ थी, वो कहाँ गई, इट वॉज समथिंग रिलेटेड अबाउट 3D एंड ओके 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 आ गए आ गए आ गए आ गए ओके। वन प्लस नॉट क्रिएटर केस बाय जेरी रिग एवरीथिंग, 3D टेम्पर्ड ग्लास एंड अदर केसेस प्राइज इन इंडिया रिबिल्ड। ओके, तो जेरी रिग एवरीथिंग इनका एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये फ़ोन की ड्यूरेबिलिटी की टेस्ट करते हैं, एंड उनकी मदद से इन्होंने कुछ टेम्पर्ड ग्लास एंड केसेस वगैरह लॉन्च करे हैं। तो जिनकी टेम्पर्ड ग्लास की कीमत है 990 रुपीज़, 1290 रुपये का क्रिएटर केस है जो कि ऐसा देखेगा, एंड सैंडस्टोन बम्पर केस जो कि 790 रुपये का है। ओके, तो रेडमी नोट 10 सरफेस हो चुका है बेंच मार्क्स पे। ये एक्चुअली रेडमी 9 की तस्वीर है, राइट? तो ये लीक हो चुका है और ये आने वाला है डायमेंसिटी की एसओसी के साथ। देखते कब तक लॉन्च होता है, किस प्राइस पॉइंट पे आता है। डायमेंसिटी 820 एसओसी होने वाला है, तो डायमेंसिटी 820 एसओसी के अगर हम स्पेक्स देखें तो ये एसओसी की स्पेक देखने के बाद है ना, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ये क्या क्या चीज़ें सपोर्ट करेगा वगैरह वगैरह सारी। तो 5G के सपोर्ट के साथ आने वाला है ये फ़ोन, राइट? अब ये तो चीज़ हमें क्लियर हो गई कि ये 5G का चिपसेट है, राइट? तो डायमेंसिटी 820 एसओसी मतलब अफोर्डेबल 4G फ़ोन नोट, जो ये नोट 10 होने वाला है तो ये एक अफोर्डेबल 5G फ़ोन होगा, क्योंकि नोट सीरीज जो होती है वो सारे 18 से 20 हज़ार के बीच में लॉन्च करते हैं EMI वाले, तो अच्छी बात है। ओके, हाँ ये हमारी साइट थी। तो ड्यूअल 5G सिम विथ VoNR विच स्टैंड्स फॉर, ओके, तो VoNR क्या है वो भी हम देख लेते हैं। सो VoNR इज वॉइस ओवर न्यू रेडियो। ओके 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 सो नोकिया के अंदर ये ऑलरेडी ये फंक्शन आ चुका है, आई थिंक नोकिया के फोन्स के अंदर ऑलरेडी ये सारी चीजें हो चुकी हैं। ओके, तो VO 5G या फिर VoNR जिसे कहा जाएगा, ये एक्चुअली एक वॉइस सर्विस है जो कि सपोर्ट करेगी HD वॉइस को, ब्रॉडबैंड डेटा को, सर्विस सेंट्रलाइजेशन को एंड सर्विस APIs को। मतलब अगर सिंपल भाषा में आपको अगर मैं कहूँ तो आपकी जो आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा रियल टाइम में जो दूसरे एंड पर बात आपसे करेंगे उनके पास जाएगी, राइट? क्वालिटी उसकी काफ़ी सुपीरियर होगी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, राइट? अब मीडिया टेक एंड नोकिया का तो टाइप हो चुका है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मीडिया टेक जो है वो नोकिया के फैसिलिटी के अंदर 6G के रिलेटेड रिसर्च शुरू कर चुका है, तो आई थिंक स्नैपड्रैगन भी ऑलरेडी शुरू कर चुका होगा। 18 मेगापिक्सल तक की फोटोग्राफी ये सपोर्ट करेगा, तो मैक्सिमम 64 मेगापिक्सल का कैमरा रेडमी नोट 10 के अंदर हमें देखने को मिलेगा। अगर उसके ऊपर आता है तो आई थिंक EMI खुद का इनोवेशन करके लाएगा। 120Hz के रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले आने वाले, तो डेफिनेटली 60-90Hz अप टू रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले हमें भी देखने को मिलेगा इस फ़ोन के अंदर। HDR 10 प्लस का वीडियो बैक सपोर्ट है, ये तो उन्होंने Redmi Note 9 Pro के अंदर भी दिया हुआ है। तो हाइपर इंजिन 2.0 फॉर द गेमिंग एक्सपीरियंस विच इज़ ऑल्सो अगेन अ गुड थिंग। बिग कोर पावर हाउस, ओके, 2.6 GHz तक इसे क्लॉक करा जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें मीडिया टेक के डायमेंसिटी 20 को लेकर थी। तो आज के लिए बस इतना ही, हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।